हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब क्लाउड। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आ चुका हूं जो कि फुल्ली शेयर मार्केट से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और मेरे चैनल पर बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो बिना टाइम टू वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, उसका शॉर्टकट क्या होता है, कहां से हम इंडिकेटर लगा सकते हैं शेर खान की आईडी में, ट्रेड टाइगर वाले ऐप में। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने किसी भी कंपनी का एक चार्ट ओपन कर लिया है। अब जैसे आपके सामने ये ACC कंपनी का एक चार्ट हमने ओपन कर रखा है, इसके अंदर कोई से भी इंडिकेटर अभी नहीं लगाए, फिर भी सारे कैंडल्स हो रहे हैं रेड और ग्रीन वाले। अब तो हमें जैसे 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाना है, तो हम सबसे पहले इस चार्ट में हम ओपन करने के बाद एस प्रेस करेंगे। एस प्रेस करने के बाद यहाँ पे ए करेंगे, और जैसे ये एवरेज आ चुका है, इसके बाद यहाँ पे हम ई सेलेक्ट करेंगे। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, और हमें 20 डेज का करना था, यहाँ पे हमने 20 किया। और ग्राफ वाले में ऑप्शन में जाएंगे, ग्राफ वाले में यहाँ पे जैसे ग्रीन है, ग्रीन रहने देंगे, यहाँ पे इसको फिर दोबारा से इसको भी ग्रीन कर देंगे। ओके, इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे, बोल्ड करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई हो चुका है, और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। फिर हमें लगाना है 20 डेज का, तो हो चुका है। अब हमें जो अगला इंडिकेटर लगाना है वो लगाना है 50 डेज का एक्सपोनेंशियल एवरेज। फिर दोबारा से यहाँ एस प्रेस करना है और ए करना है 3 times, और यहाँ से दोबारा हम यहाँ पे ई सेलेक्ट करके यहाँ पे 50 डेज के लिए कर लेंगे, और ग्राफ वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इसको हम ब्लैक कर देंगे। ओके, और फिर इसको भी ब्लैक और ओके, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, और यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ये हो गया क्लोज। और जैसे हमें कोई यहाँ पे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर लगाना है, तो उसके लिए भी हम इस पे एस प्रेस करेंगे और एस दोबारा करेंगे, स्टोकेस्टिक आ चुका है। इस पे हम कुछ छेड़छाड़ वैसे करते नहीं है, बाकी अगर आपकी कुछ अपनी स्ट्रेटेजी है, अपनी स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद ये सारे आ जाएंगे आपके पास। इसके अलावा भी अगर आप कोई दूसरे इंडिकेटर्स का यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी शॉर्टकट यही है, यहाँ पे एस करना है, और इसके बाद जैसे ये पॉपअप विंडो ओपन होगी, इस पॉपअप विंडो के अंदर जो भी इंडिकेटर आपको लेना है, कैंडलस्टिक, CII, CMO, या फिर नीचे देख सकते हैं आप MACD इंडिकेटर, RSI, स्टोकेस्टिक RSI, सुपर ट्रेंड, ये सारे बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब इंडिकेटर है। अब इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके स्टडी के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूट करता हो, जिस पे आपको लगता हो कि ये मेरे को ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इसको चूज़ कर सकते हैं, और जो भी आपका टाइम फ्रेम हो, जो भी आपको चेंजेस करने हो, आप यहाँ से करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप चाहते हैं सारे इंडिकेटर जो भी मैंने यहाँ पे लगाए हैं वो बाई डिफॉल्ट रहे, मैं कोई सा भी चार्ट ओपन करूँ, बैंक निफ्टी, निफ्टी मेटल, HDFC बैंक, SBI बैंक, यस बैंक, कोई सा भी शेयर का मैं चार्ट ओपन करूँ, तो ये सारे इंडिकेटर बाई डिफॉल्ट उसमें लगे हुए होने चाहिए उसी हिसाब से जो मैंने अभी सेटिंग करी है। यहाँ ये नहीं कि जैसे मैंने अभी इस वाले में लगा दिया, इसका मैं चार्ट हटाऊँ और जैसे किसी दूसरी कंपनी का चार्ट ओपन करता हूँ तो ये सारे इंडिकेटर चले जाएंगे, फिर दोबारा से लगाने पड़ेंगे। इसके लिए भी मैं आपके साथ एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। उसके लिए क्या करना है, जैसे हमने सारे इंडिकेटर लगा दिए हैं, मेरे को यही 3 इंडिकेटर अगर चाहिए, तो उसके बाद सारे इंडिकेटर लगाने के बाद राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद जैसे ये चार्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं उस पर जाएंगे, और यहाँ से ये सेकंड लास्ट वाला जो ऑप्शन है सेव चार्ट टेम्पलेट, उस पर हम क्लिक करेंगे। और उसके बाद जैसे ये डेली वाले टेम्पलेट वाले में आ गए, डेली चार्ट में। अब जैसे ये मेरा पहले से बाई डिफॉल्ट हो रखा है, या फिर आपके पास भी यहाँ पर कुछ होगा, उस पर हम ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको आप पुराने वाले से यहाँ से सेव करके रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप यस कर देंगे, रिप्लेस मेरे को अभी नहीं करना है। तो जैसे आपको अगर जैसे रिप्लेस करना है तो यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो कुछ भी यहाँ पे कुछ एरर नहीं आएगा, बल्कि जो इंडिकेटर आपने लगाए हैं बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे, और आप कोई सा भी चार्ट ओपन करेंगे तो ये सारे इंडिकेटर बाय डिफॉल्ट उसके अंदर शो करेंगे। तो फाइनली जो मेरा आज का मोटो था, आज का मेरा टॉपिक था इंडिकेटर लगाने का शेर खान ट्रेड टाइगर ऐप के अंदर, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, इस वीडियो ने जरूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प पहुंचाई होगी। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूं, जो कि आपके टेक्निकल एनालिसिस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। और शेयर मार्केट से रिलेटेड मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसका मैंने एक अलग से अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना रखा है,
तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए और अपने नॉलेज को ज़्यादा इंप्रूव कीजिए। अगर आपको किसी अदर टॉपिक की वीडियो चाहिए प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा।